आज आप सब लोगों के बीच मुझे लगा कि कुछ बातों को मैं शेयर करूं, क्योंकि बातें कुछ नई नहीं है। आप सब लोगों को भी समय समय पर संज्ञान में आता है या आप सब लोग भी सुनते रहते हैं, तो उसी बातों को फिर हम भी आपके समक्ष थोड़ा सा संकलन करके विषय को हम रखना चाहेंगे। क्योंकि जब जब राज्य में मतलब हेमंत सोरेन की सरकार संकट में आई है या उनको संकट का एहसास होता है कि अब हमारे सामने संकट है, बुरी तरह से हम घिरे हुए हैं, तो आप सब ने देखा होगा कि वो आदिवासी कार्ड खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ से कुछ बोलना शुरू करते हैं कि हम आदिवासी हैं, लोग हमें पचा नहीं पाते हैं। फिर यहाँ तक वो कह डालते हैं कि सामंतवादी सोच के तहत जो लोग हैं वो लोग हमें परेशान करते हैं, तो इस प्रकार की वो तरह तरह के उसको कहते हैं। जेएमएम के लोग भी, हेमंत सोरेन भी, ये पूरे जिसको कहते हैं कि कुनबा, ये लोग यही राग अलपना शुरू करते हैं। अब सबने देखा कि पिछले दिनों चाहे वो मामला हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो लोकपाल का मामला हो या इलेक्शन कमीशन या राजभवन का मामला हो, तो सरकार हम कह सकते हैं कि जब उनको लगता है कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं तो वो ट्राइबल के कार्ड वो खेलना शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, बात तो करते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आप देखें उन कोटों में जो अपने आप को बचाने के लिए देश के नामी ग्रामी जो वकील होते हैं उन लोगों को हायर करते हैं। मैं कह सकता हूं कि झारखंड को मैं जनता जानता हूं, शायद कोई भी ट्राइबल नहीं है कि उन सारे वकीलों को अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उन ऐसे वकीलों को कोई हायर कर सके वकालत करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में। तो ये खेलते आदिवासी कार्ड हैं और व्यवहार जो इनका आप देखेंगे पूरी तरह से वो सामंतवादी का वो दिखता है। इसीलिए लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष कुछ विषय या कुछ जानकारी मैं आपके समक्ष हम साझा करूं। आप सब ने देखा होगा कि आज अखबारों में भी छपा है लोकपाल को लेकर के कि भाई शिवू सोरेन परिवार को बड़ी राहत मिली। मैं उन राहत के बारे में यहाँ बात करने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जब इस प्रकार के कल से ही सोशल मीडिया में जब समाचार घूमने लगा तो हमें भी लगा कि ये थोड़ा तहकीकात करना चाहिए कि मामला क्या है इसमें से। और जब फिर मामला को मैंने उस पर तहकीकात की, उसकी हमने थोड़ी सी डिटेल में हम गए, तो हमें देख करके जिसको कहते हैं कि बड़ी एकदम चकित कर देता है। और वो इसलिए कि आज जो सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने जो एकत्रित किया था, जो इकट्ठा किया इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है हेमंत सोरेन परिवार की या शिवू सोरेन परिवार की, तो वो भी वो संपत्ति को इकट्ठा किया गया या तो उन्होंने इनकम टैक्स में दर्शाया है
या फिर इलेक्शन जब चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, जैसे कि एक लोग चुनाव नहीं लड़े हैं वो तो नहीं दर्शाएंगे, उनकी पत्नी जैसी है, तो इनकम टैक्स ने जो दर्शाया है या फिर इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव लड़ते वक्त अपने प्रॉपर्टी का जो लोग डिक्लेयर करते हैं उसमें से जो लिखित है वो 108 ऐसी परिसंपत्तियों का साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा किया है झारखंड में। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने जिसको कहते हैं ना कि 108, या उसको कहते हैं कि भाई श्री श्री शिवू सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में, रांची से लेकर के दुमका तक, और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी, और भी कहीं कई एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। तो अनडिक्लेयर्ड का आप जानते हैं उसका क्या सजा है इलेक्शन कमीशन में, कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है, मतलब मिनिमम जिसको बोलता है, जो सामान्य जानकारी में पहले भी इस प्रकार की बातें हो चुकी। तो ये जो आपने आपको कहता है कि हम गरीब हैं, आदिवासी हैं, और चिल्लाते हैं कि भाई सामंती, तो भाई कौन सामंत है? मैं समझता हूं। और ये सारे प्रॉपर्टी 12-14 साल में नहीं, झारखंड बनने के बाद इन्होंने खड़ा किया है, ये 4-5 के बाद ही ये सारे संपत्ति इतने खड़ी हुई है अटालिकाएं इनकी इतनी बड़ी। और उसमें भी मैं कह सकता हूं कुछ एक संपत्ति के तो मैं बेनामी संपत्ति मैं जानता हूं, क्योंकि किसी और के नाम से है लेकिन उनके घेरे में वो सारे प्रॉपर्टी है इस प्रकार की। तो इस प्रकार के पूरे राज्य में या बाहर भी कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हाईकोर्ट में प्यायल होता है तो बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं कि भाई इनको डर इसलिए होता है कि जांच होगा तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहां बड़े बड़े लॉयर को ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में या लोकपाल में। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है तो फिर आप डरते किस बात की है? जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स आप बता दीजिए, आपने कहां कहां से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया। तो ये जो स्थिति है इनकी वो किसी से, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एकदम बड़ी जिसको कह सकते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने पूरे राज्य में और झारखंड में, तो आप मुझे लगता है कि रांची में बहुत सारे ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब जांच होगी, और इसीलिए वो जांच से वो भागते हैं, जांच से डरते हैं, और जांच ना हो इसके लिए डराने के भी काम करते हैं। पिछले दिनों जो वक्तव्य जिस प्रकार से वो देते थे तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आप इन 10-12 वर्षों में आप देखिए तो हम नहीं समझते हैं कि कोई और आदिवासियों ने इतनी दौलत इकट्ठा किया हो या उनके पास होगी। भाई ये तो अपने आप में क्या इसको कहेंगे, मैंने आप तो सोरेन परिवार को क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी वर्षों में इन्होंने अर्जित किया।
अब यहाँ देखिए झारखंड में क्या स्थिति है। आज बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास तक नहीं बनता है। उनके लिए सरकार ने कहीं कोई 2 कट्ठे भी जमीन बंदोबस्त नहीं कर देते हैं, बल्कि अगर कोई घर मजूर हुआ जमीन में भी किसी प्रकार से लोग खड़ा है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला करके। यहाँ तो अपनी भी जमीन में वर्षों से लोग खड़े थे, जैसे कुछ दिन पहले हम HEC गए थे स्मार्ट सिटी में, वहां भी बुलडोजर चला करके लोगों के घरों को तोड़ दिया। तो भाई जिसके पास इतनी दौलत है और किसी के पास उन्हें क्या बोलते हैं जमीन नहीं है, छोटी सी अपनी घर बनाने के लिए झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं, बल्कि जो झोपड़ी था उसको भी उजाड़ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ शिव सोरेन, हेमंत सोरेन या इस परिवार के पास 108 ऐसे जो प्रॉपर्टीज है। अब देखें जो इनकम टैक्स और CBI ने जो मेरे जानकारी में आई है, जो रिपोर्ट उन लोगों ने जो सबमिट किया है, तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है, लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से। और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना पूरा परिवार की, जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीजों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग पावर में आए हैं। जैसे पहले शिबू सोरेन कोयला मंत्री भी थे, उस वक्त की भी कहानी है, कभी हेमंत सोरेन डिप्टी CM बने, कभी CM बने, फिर आज CM बने। तो ये लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का ही काम किया है पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, इन लोगों के नाम से एक तो मैंने जैसा हम पहले ही बताया कि अनडिक्लेयर्ड काफी प्रॉपर्टीज है इन लोगों के सभी के नाम से, जिन लोगों ने, चाहे शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो या सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, ये जो लोग चुनाव लड़े हैं इन सबों के पास अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है इज़म में। तो ये अपने आप में ये लोग सत्ता चला रहे हैं सत्ता में बैठ करके, और जिस प्रकार से ये लोग बातें करते हैं, आप सब लोग कहेंगे कि भाई आपके पास इतनी सारी चीजें, हमारे पास और कहीं से नहीं आया, बल्कि इन लोगों ने पिछले दिन आप देखें कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हीं की ओर से वकील ने एफिडेविट करके वो सबमिट किया, जो इन लोगों को लोकपाल की ओर से नोटिस दी गई थी उसी में से इन लोगों ने, और कानून की दांव पेश करके कि इतना दिन हो गया, पुराना हो गया, इसलिए ये जांच नहीं होना चाहिए। भाई ये क्या मतलब होता है, कोई अगर चोरी करे और कभी पकड़ा जाए तो क्या उसको दंडित नहीं किया जाएगा क्या? तो ये अपने आप में, और इन सारे दस्तावेज को अगर आप देखें तो ये झोली में भरा हुआ है पूरा से। तो आप लोगों को इतना मैं कष्ट नहीं दूंगा, आप हाँ इसको भी खोल देंगे, आप लोग चाहेंगे कि तो हम पाठक जी को हम दे देंगे मोबाइल से ही आपका क्या बोलते हैं, ये तो पूरा क्या बोलते हैं ये दस्तावेज है, हाँ? समझे कि नहीं, आप समझ सकते हो ये जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने अर्जित किया है दुमका से, ये रांची से लेकर के दुमका, UP, दिल्ली, जो बाहर का भी है इसमें से सारे कुछ है। तो आप सब लोग इतना खोल कर पढ़े तो उससे बेहतर है हम पाठक जी को क्या बोलते हैं PDF फाइल ही हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन आप सब लोगों से हम जरूर कहेंगे कि इसको जरूर पढ़ना, और आप सब लोग इसको जरूर लिखिए ताकि इस प्रदेश की जनता वो जान सके समझ सके। भाई इस राज्य में जिसको हम लोगों ने मुखिया चुना है,
वो जनता के लिए काम कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए लोगों को। क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र में ये जो परिवार तंत्र है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र को ये लोग डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ दौलत को बटोरने में ये सारे लोग लगे हुए। और इसलिए हमने कहा कि ये सारे जो विषय हैं, ऐसे दस्तावेज इतने सारे हैं, तो इसलिए मैंने आप सबको संक्षिप्त में आपको बताया, नट सेल में जो हमें आपको बतानी थी। बाकी आप सब लोग जरूर अध्ययन करें। हम पाठक जी को पूरी पीडीएफ फाइल हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और पाठक जी से कहेंगे जितनी भी मीडिया के लोग हैं सबको आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि लोग अध्ययन कर सके। और अध्ययन ही नहीं करे, हम जरूर आप सब लोगों से कहेंगे, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राज्य की जनता को हमें बताना चाहिए, राज्य की जनता को जानकारी होना चाहिए, हमने जिसको सत्ता पर बैठाया है वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, कि जनता के लिए कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इतना काम आप सब लोगों को करेंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के ये जो चौथे प्रहरी है आप सब लोग, तो इस काम को बखूबी आप सब लोग भी निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।